दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉयज के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर पेनिस छोटा होने की समस्या क्यों होती है। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है जिसकी वजह से हमारे पेरेंट आते हैं कि मेरा बच्चा पेनिस छोटा है, इसको चेक करें कोई हार्मोन कमी तो नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि नॉर्मल पेनिस की लेंथ बच्चों होनी कितनी चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है लड़का, उससे उसकी लेंथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़े बच्चों की लेंथ होनी चाहिए 6.5 सेंटीमीटर से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर तक। तो कितने बार जब पेरेंट आते हैं तो उनका रियल में पेनिस छोटा होता है कई हार्मोन कमी की वजह से, जिसको हम हार्मोन ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं। कभी कभी जो पेरेंट आते हैं उनके रियल में पेनिस छोटा नहीं होता है, बट पेरेंट को डाउट होता है। हम ऐसे बच्चों को पेनिस साइज देखते हैं और नॉर्मल होता है, मरीज को उनके पेरेंट को समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। तो पेनिस छोटा क्यों होता है, उसके कई कारण होते हैं। अगर बच्चे का टेस्टिस प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी। जब भी हार्मोन कम बनेगा तो टेस्टिस हार्मोन कमी की वजह से पेनिस ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पेनिस छोटा रह जाएगा। सेकेंड होता है कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन कमी होगी तभी पेनिस छोटा रह जाएगा। फिर पेट के अंदर एड्रेनल ग्लैंड होता है, और एड्रेनल हार्मोन कमी होगी तो पेनिस छोटा रह जाएगा। फिर कई जीन डिफेक्ट होते हैं, क्रोमोसोम डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पेनिस ग्रोथ नहीं कर पाता है। फिर कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं, किसी किसी के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट होती है जिसकी वजह से पेनिस ग्रोथ कैपेसिटी होती ही नहीं, कम होती है, ऐसे लोग का पेनिस भी छोटा रह जाता है। तो जब भी पेनिस छोटा एक प्रॉब्लम पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनके सारे टेस्ट करते हैं हम, एग्जामिन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर डायग्नोज करते हैं कि कारण क्या है, और फिर उसके बाद तय करते हैं कि हार्मोन कमी है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल होगा बच्चा तो पेशेंट समझा देते हैं पेरेंट को और उनको तसली करके भेज देते हैं। और हार्मोन कमी आती है तो उनको स्मॉल डोज ऑफ मेल हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं करीब 3 से 6 महीने में, और उनका पेनिस लेंथ नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई हार्मोन कमी आएगी और ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चे का पेनिस छोटा रह जाएगा और एडल्ट एज में उसको बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आपके बच्चे का पेनिस छोटा है तो आप डॉक्टर्स दिखाएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9899180390, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस नॉलेज का फायदा उठा करके अपने बच्चे का इलाज करा के उसको स्वस्थ जीवन दे पाएंगे।